नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया का कैमरा आज पहुंच चुका है। निशिकांत दुबे गोड्डा से लोकप्रिय सांसद हैं, तीसरी बार जनता ने आशीर्वाद दिया। चुनावी कैंपेन में हम लगातार उनके साथ बने रहे थे। इस वक्त जनता की तमाम उम्मीदों से किस तरीके से वो अपनी राजनीति को और अपने आप को जोड़ कर रखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज दिन भी बेहद खास है क्योंकि महागामा विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी जो अमाउंट में योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आए हुए हैं, शिलान्यास करने के लिए आए हुए हैं, उनसे ही पूछते हैं कि उनकी प्राथमिकताओं में क्या क्या बेशुमार हैं। सर, ये बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर चुनाव जीतने के बाद, और जब कैंपेनिंग में आए थे और अब जब आ रहे हैं चुनाव जीत कर सांसद के रूप में, तो किस तरह की अनुभूति है ये? अमरेंद्र जी, आप एक ऐसे आदमी हैं जो लगातार मुझे किसी न किसी मोड़ पर चुनाव के समय मिलते रहे, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बेहद ही अच्छा लग रहा है। मेरे बॉडी लैंग्वेज में, मेरे लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में, लोगों का, कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति स्नेह में, कहीं आपको उतार चढ़ाव नज़र आता है? बिल्कुल नहीं। शायद उस वक्त भी वही था, आज भी वही है। चुनाव तो एक बहाना था, चुनाव लड़ना है, 5 साल के बाद चुनाव आना है, लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा कि मैं चुनाव भारी बहुमत से जीत रहा हूँ और इस बार समूह की मैं जमानत जब्त करा दूंगा। मैंने कहा तो मैंने इन्हीं लोगों के भरोसे कहा था, और जो जनता का स्नेह और प्यार है वो बदस्तूर जो है, खासकर महागामा के लोगों का हमेशा प्यार जारी रहता है। और आज इतने जीतने के बाद यदि मैं आया हूँ तो निश्चित तौर पर जो है वो लोग जीतने के बाद में नहीं आ पाया था तो उन लोगों को लगता था, लेकिन आप समझिए किसी ने कहा कि आप इतने दिन के बाद आए? तो यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है और मुझे हमेशा लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है यही मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। और आगे आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको पूरा गोड्डा बदला हुआ नजर आएगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ, और उसमें महागामा जो है सबसे ज़्यादा बदला हुआ। लोकसभा के अंदर धारा 370 पे भी आप खूब बोले, लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी आप खूब बोले, हम लोगों ने यहाँ से वीडियोस भी देखा, काफ़ी देख के अच्छा लगा कि इतनी जो अंदर की बात है इतनी सच्चाई के साथ आपने उसे उभारा। आपको लग रहा है कि सरकार जो है 2020 मैच खेल रही है, जो मोदी 2.0 आया है, इसमें बिल्कुल तेज़ी से सारे कार्य हो रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है अब? नहीं, हम 2020 मैच नहीं खेल रहे हैं, 5 साल मेरा हो गया है, हम ये 6ठे साल में हैं, तो इसलिए हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। राजनीति हमेशा टेस्ट मैच होती है, और भारत के विषय में कोई निर्णय करना हो तो हम 130 करोड़ जनता की जो है का निर्णय करते हैं, इसलिए कोई भी राजनीति का निर्णय 2020 नहीं हो सकता है, वो सोची समझी राजनीति के तहत है, सोचे समझे काम के तहत है। और जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जिसके कारण पार्टी विथ अ डिफरेंस है कि 370 के कारण हमारी पार्टी बनी, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है, राम मंदिर का मुद्दा हमारा मुख्य विषय है जिसको हमने अपने एजेंडे में डाला है, तो हम अपने एजेंडे को जो 1950-51 से चला रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए 2020 मैच नहीं है, 5-day मैच है। 5-day मैच है। सर, एक बड़ा प्रश्न ये है कि गोड्डा लोकसभा में 3 विधानसभा की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ जहां से आपको 3 विधानसभाओं में लीड मिली, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा। लग रहा था कि इस बार 3 विधानसभाओं में आपको जिस तरीके की लीड मिली है, ऐसी उम्मीद थी यहाँ की जनता से? निश्चित तौर पर। मैं क्या कह रहा था, मैंने यही कहा ना कि चुनाव में एक आप ऐसे पत्रकार थे जो मुझे प्रत्येक दिन, जब भी मैं महागामा या गोड्डा में प्रचार करने के लिए आया, आप हमसे मिले, हमेशा किसी न किसी मोड़ पर मिले, किसी गांव में मिले, मैंने हमेशा कहा कि आपको जमानत जब्त हो जाएगी। और ये आप यदि देखेंगे, 3 नहीं हम 6 की 6 विधानसभा लीड किए हैं, और शायद आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा है कि कोई भी सांसद जो है 6 की 6 विधानसभा लीड किया। ये दिखाता है कि लहर जो जारी थी वो सभी जगह बदस्तूर जारी थी, और इसलिए विकास की जो लहर चल रही है वो 6 की 6 विधानसभा में होगी, और गोड्डा इस देश का एक यूनिक लोकसभा ऐसा होगा जिसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग आएंगे वहाँ पे। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी के जो हैं अध्यक्ष वहाँ पे पद छोड़ दिए, चुनाव भी हार गए अमेठी में, झारखंड के अंदर भी कांग्रेस में पूरा खींचतान मचा हुआ है, क्या लगता है आपको कि ये भाजपा का साइड इफेक्ट है? देखिए, कांग्रेस जो माँ बेटे में सिमट गई ना, जब घर परिवार में कोई पार्टी सिमट जाए तो भाजपा का क्या इफेक्ट होगा? भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा आज के डेट में इतनी बड़ी पार्टी है कि उसका मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता से भी कांग्रेस जैसे पार्टी का मुकाबला करने की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए अब मैं कांग्रेस के बारे में भी बातचीत करना बंद कर दिया है। अब हम अपने विकास के बारे में बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी विकास के बारे में बात करते हैं, हम लोगों ने राजनीति छोड़ दी, हम लोग विकास के पथ पर अग्रसर हैं, और मुझे लगता है कि माँ बेटे भी एक दिन घर में चले जाएँ। क्या उम्मीद करी जनता झारखंड विधानसभा का जब इलेक्शन होगा, तो जैसे आप जब आप लोकसभा के चुनाव में एक्टिव थे, क्या उम्मीद करे जनता कि जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो फिर उसी
रूप में वो अपने निशिकांत दुबे को अपने आसपास गली मोहल्ले में पगडंडियों में देख पाएंगे। आज के बातचीत से क्या लगा आपको, आज की एक्टिविटी से क्या लगा? मुझे तो लग रहा है कि आप बिल्कुल 100% यहाँ पे मोर देन 100% जनता के लिए अवेलेबल रहेंगे। मैं तो आज ऐसे गाँव में गया जहाँ की मैं खुद के चुनाव के लिए वोट मांगने नहीं गया था। लहठी जैसे गाँव में मैं गया, वहाँ तो मैं नहीं गया था, तो मैं तो इस बार वैसे गाँव में जाने वाला हूँ जहाँ की मैं नहीं गया, और जिन गांवों में गया उसकी उनसे फिर आशीर्वाद मांगने के लिए आ रहा हूँ, उनको धन्यवाद देने भी जाऊँगा कि आपके कारण जो है मैं जीत पाया। और गोड्डा के 6.5 लाख लोगों ने वोट दिया, 6.5 लाख लोगों ने धूप गर्मी बरसात की परवाह नहीं की, उन्होंने जिन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा, जिनको ये भी नहीं पता है कि 5 साल में मेरा चेहरा देखेंगे नहीं देखेंगे, 6.5 लाख लोगों ने लाइन लगाकर मुझे वोट किया है। इसलिए मेरा जो काम है, बेटे के नाते जो मेरा फर्ज है, मैं निश्चित तौर पर निभाऊंगा। और 6 की 6 विधानसभा हम लोकसभा में कैसे जीतें इसके बारे में प्रयास करेंगे, और इसी तरह से सारे सांसद यदि सोच रहे होंगे तो हम 81 की 81 सीट जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत, इन्होंने किया निशिकांत दुबे जी, गोड्डा के सांसद थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्टी जो है झारखंड विधानसभा इलेक्शन में भारी मतों से यहाँ पर विजयी जिस तरीके से होगी, और आने वाले दिनों में क्या कुछ खास होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए ऑल टाइम पब्लिक इंडिया, अगले दिन किसी और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।